पितृपक्ष 18 सितंबर से आरंभ होकर 2 अक्टूबर दिन बुधवार को समाप्त होंगे और शारदीय नवरात्रि 2024 में 3 अक्टूबर दिन गुरुवार को मनाए जाएंगे। दोस्तों, बच्चे बड़े सभी को पितृपक्ष में कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं ताकि वे स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। पितरों भाद्रपद पूर्णिमा पर पितृलोक से धरती पर आ जाते हैं और 16 दिनों तक श्राद्ध तर्पण पिंड दान ग्रहण करके सर्व पितरों अमावस्या की रात्रि को पितृलोक चले जाते हैं, इसलिए यह 16 दिन पूर्ण रूप से पितरों को समर्पित होते हैं। इन 16 दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंड दान श्राद्ध तर्पण कर्म किए जाते हैं। पितरों के लिए श्रद्धा से कुछ समर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। यह 16 दिन पितरों को प्रसन्न कर पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, शास्त्रों में पितृपक्ष के कई नियम बताए गए हैं। अगर उन नियमों का पालन ना किया जाए तो इससे पितृ दोष लगता है, पितृदेव नाराज हो जाते हैं। पितृ पक्ष के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य करने के साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनका सेवन पितृ पक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। पितृ पक्ष पितरों को समर्पित होते हैं, इसीलिए इस दौरान भोजन का विशेष महत्व होता है। इस दौरान पितरों के लिए भोजन निकाला जाता है, ब्राह्मण भोज कराया जाता है और पंच बलि भी दी जाती है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें पितृ पक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका ना तो पितृ पक्ष के दौरान सेवन करना चाहिए और ना ही पितरों को या ब्राह्मणों को इन चीजों का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, ऐसे में हम जानते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका पितृ पक्ष के दौरान भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको पितृ पक्ष के दौरान पितरों को या ब्राह्मणों के भोजन में भूलकर भी शामिल नहीं करना चाहिए, वरना दोष लगता है। आगे बढ़ने से पहले, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाए। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे ओम नम शिवाय। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा आपने अधिकतर यही सुना होगा कि पितृ पक्ष के दौरान वही भोजन बनाए, वही भोजन का पितरों को या ब्राह्मणों को भोग लगाएं जो पितरों को पसंद था, तभी ही पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन यहाँ पर हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं। अधिकतर घरों में अधिकतर लोगों के पूर्वजों को लहसुन प्याज पसंद होता है, तो जब वे भोजन बनाते हैं तो उसमें प्याज और लहसुन डालते हैं और पूर्वजों के पसंद के हिसाब से भोजन बनाकर ब्राह्मणों को वह भोजन करा देते हैं। या फिर जिनके पितरों को नॉनवेज पसंद होता है तो वे नॉनवेज लेकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से दान कर देते हैं, जिससे उन्हें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो भूलकर भी ऐसी गलती आगे से ना करें। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान प्याज लहसुन मीट और अंडे का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए और पितरों के भोजन में भी इन चीजों का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी को पितृदेव कहा गया है। पितरों का भोजन श्राद्ध तर्पण पिंड दान सबसे पहले भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी ही स्वीकार करती है, उसके पश्चात यह पितरों को मिलता है। और भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी के पूजन में प्याज लहसुन मीट अंडे का इस्तेमाल करना वर्जित बताया गया है। अगर आप पितरों के भोजन में मीट अंडा प्याज लहसुन इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी उसे स्वीकार नहीं करेंगे। और जब वे पितृदेव स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारे पितृ भी उस भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के निमित्त जो भोजन बनाए या बब्बण को भोजन कराने के लिए भी जो भोजन बनाए वह बिना याज लहसुन और मीट अंडे का बनाए और ना ही पितरों के नाम का। ऐसा भोजन आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दें। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों को जो भोजन बनाए वह बिना प्याज और बिना लहसुन तथा मीट अंडे का होना चाहिए। यह सभी सामग्री शुद्ध भोजन में नहीं डालना चाहिए, घोर पाप लगता है, पितृदेव क्रोधित हो जाते हैं। ध्यान रखें, पितृ पक्ष के दौरान आप भी प्याज लहसुन और मीट अंडे का इस्तेमाल भूल कर भी ना करें, शराब आदि का सेवन भी ना करें। दोस्तों, पितृ पक्ष के दौरान बासी भोजन ना करें। इन 16 दिनों में बासी भोजन शैतान को प्राप्त होता है। पितृ पक्ष के दौरान ना ही बासी भोजन करना चाहिए और ना ही किसी को कराना चाहिए। कोई जरूरतमंद व्यक्ति अगर आपके द्वार पर आए तो उसे भी आप बासी भोजन ना दें। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृ पक्ष के दौरान पितर किसी भी रूप में द्वार पर आ जाते हैं और अगर ऐसे में आप पितरों को बासी भोजन दे देंगे तो इससे आपको पितृ दोष लगेगा। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, ना तो आप बासी भोजन करें और ना ही किसी को दें। दोस्तों, पितृ पक्ष के दौरान अपने खुद के लिए वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए। इन 16 दिनों में आप वस्त्रों
क्या दान कर सकते हैं, पर अपने लिए कभी वस्त्र ना खरीदे। इस दिन नए वस्त्र खरीदना अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान पति पत्नी को दूरी बनाकर रहना चाहिए, क्योंकि इस दौरान हमारे पितृदेव हमारे घर के अंदर ही हमारे आसपास मौजूद रहते हैं, और अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे पितृ नाराज होकर चले जाएंगे। पितृपक्ष के दौरान घर में रोना नहीं चाहिए, इससे भी पितृदोष लगता है। इन 16 दिनों के अंदर खुशी खुशी पितरों का स्वागत करना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में पितरों का भोजन बनाते समय भोजन में चावल दाल या रोटी ना बनाए। पितरों के लिए सदैव पक्का भोजन जैसे कि पूरी कचौड़ी पराठे इत्यादि आदि बनाए जाते हैं, हलवा पूरी बनाए जाते हैं, खीर आदि बनाई जाती है। पितरों को खीर बहुत पसंद आती है। खीर खाकर हमारे पितृ हमें ढेरों आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के दौरान आप स्वयं दाल चावल रोटी आदि खा सकते हैं, पर पितरों को यह चीजें ना दें। लेकिन याद रहे, पितरों को जो भोजन बनाए, ब्राह्मणों को जो भोजन कराए वह पक्का ही बनाए, जैसे कि खीर पूरी, मूंग दाल की कचौड़ी, दही, जलेबी, इन चीजों को आप बना सकते हैं। लेकिन याद रहे, पितृपक्ष के दौरान घर में मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। दोस्तों, मसूर की दाल के अलावा पितृपक्ष के दौरान काले नमक, काले जीरे का सेवन भी नहीं करना चाहिए, और ना ही ब्राह्मण भोजन में इन चीजों को शामिल करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान मूली, लौकी, खीरा और सरसों का साग ना तो खाया जाता है और ना ही खिलाया जाता है। श्राद्ध पक्ष में इन चीजों को खाना और खिलाना दोनों ही वर्जित होता है। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के भोजन में नींबू नहीं डाला जाता। आप स्वयं नींबू का सेवन कर सकते हैं, लेकिन त्रों के भोजन में, ब्राह्मण भोजन में नींबू ना डाले। पितृपक्ष के दौरान कई तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती है, इसीलिए इस दौरान दूध, दही या फिर सफेद खाद्य पदार्थ जैसे कि सफेद रंग की मिठाइयां, बर्फी इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, यह चीजें आप अपने घर में ही बनाकर खा सकते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान गाय के दूध का सेवन करने से बचना चाहिए, खास तौर पर वह गाय जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो। ऐसी गाय के दूध का सेवन भूल कर भी ना करें। पितृपक्ष के दौरान खीर अवश्य ही बनाई जाती है, और खीर का पितरों को, ब्राह्मणों को भोग लगाया जाता है, इसीलिए आप पितृपक्ष के दौरान दूध से ही खीर बनाकर उसका भोग लगाकर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन खाली दूध का सेवन ना करें, यानी सीधे दूध का सेवन ना करें। पितृपक्ष के दौरान कड़ी बनाना और खाना भी वर्जित होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितृपक्ष के दौरान कुल्ते की दाल का भी सेवन ना करें। दोस्तों, ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान आप पितरों के लिए जो भी भोजन बनाए उस भोजन में आप तिल अवश्य ही डाले। पितृपक्ष में जो पितरों का भोजन बनाएं, ब्राह्मणों को जो भोजन कराएं या पंच बलि लगाएं या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से भोजन दे, उस भोजन में थोड़े से काले तिल अवश्य ही डाले। शास्त्रों के अनुसार जिस भोजन में काले तिल होते हैं वह भोजन पितृ ग्रहण करते हैं, लेकिन जिस भोजन में काले तिल नहीं होते हैं से भूत पिशाच ग्रहण करते हैं, इसीलिए इस बात का विषय ध्यान रखें। दोस्तों, पितरों के भोजन में काले तिल डालकर ही आप पितरों को भोग लगाए। काले तिल भूत पिशाच से श्राद्ध के भोजन की रक्षा करते हैं, इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितृपक्ष के दौरान गलती से भी अपने पर ओसियों का भोजन भी कभी नहीं खाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान उधार लिया गया पैसा अशुभ माना जाता है, इससे उल्टा कर्ज का बोझ और बढ़ जाता है। दोस्तों, पितृपक्ष में कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे हमारे पितृ नाराज हो जाए। आप थोड़े से ही प्रयास से पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे कौन से व्यंजन है जो आपको पितरों के लिए बनाने चाहिए? सबसे पहला है दूध और चीनी से बनी खीर। जी हाँ, पितरों के लिए अगर आप बहुत सारे व्यंजन ना बना पाए या आपकी परिस्थिति इस अनुकूल ना हो, तो पितरों की तृप्ति के लिए आपको दूध और चीनी से बनी खीर अवश्य बनानी चाहिए, जिसमें सूखे मेवे डालकर पितरों को परोसे। इस व्यंजन से उन्हें सबसे ज्यादा आनंद मिलता है और वे प्रसन्न होकर आपके द्वार से लौटते हैं। दूसरी है कद्दू की सब्जी। गरुड़ पुराण के अनुसार कद्दू की सब्जी पितरों को बहुत अधिक प्रिय होती है। कद्दू एक सात्विक व्यंजन है जो श्राद्ध प्रसाद में अक्सर परोसा जाता है। अगर आप भी श्राद्ध का भोजन बना रहे हैं तो कद्दू की सब्जी अवश्य बनाएं और पितरों का आह्वान करते हुए उन्हें अर्पण करें। तीसरा है शुद्ध घी की रोटी। जी हां, शुद्ध घी से बनी रोटी अवश्य बनाएं और अपने पितरों को याद करते हुए एक रोटी कोए को और दो छोटी रोटियां बनाकर गाय और कुत्ते को खिलाएं। इनसे पितर जिस भी रूप में धरती पर उपस्थित होंगे वे तृप्त होकर आपको अवश्य आशीर्वाद प्रदान करेंगे। चौथी है पीली मूंग दाल और सफेद उड़द दाल। इन दोनों दालों के विषय में गरुड़ पुराण में बताया गया है, जिसमें दो दालों से बनने वाले व्यंजन, चाहे वो मीठे हुए या नमकीन, अवश्य पितरों के लिए बनाने चाहिए। अगर आप उनकी श्राद्ध तिथि पर यह दालें बनाते हैं तो अधिक लाभदायी होता है। इसके अलावा आलू गेहूं से बनी
पूरी मीठी गुड़ की रोटी, मीठे केसर वाले चावल, काले चने और बेसन से बनी चीजें भी पितरों के लिए बनाई जाए तो भी प्रसन्न होकर उन्हें ग्रहण करते हैं। आइए अब जानते हैं भोजन कैसे बनाना चाहिए। जैसे हम ईश्वर का भोग बनाते समय उसे नहीं छक या उसे झूठा नहीं करते, ठीक उसी प्रकार हमें पितरों का भोजन भी उन्हें अर्पण करने से पहले छकना नहीं चाहिए और ना ही झूठा करना चाहिए। भोजन बनाने से पहले आपको पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। बिना स्नान आपको पितृ भोजन नहीं बनाना चाहिए और जो स्त्री मासिक धर्म में हो उस वक्त भी उन हे पितृ भोजन को नहीं बनाना चाहिए। पितृ भोजन बनाने से पहले रसोई घर को गंगा जल से और यदि गंगा जल ना हो तो साधारण जल छिड़क कर पहले स्वच्छ कर लेना चाहिए और उसके बाद भोजन बनाने से पहले ओम पितृ देवाय नमः या ओम वासुदेवाय नम इन मंत्रों का उच्चारण करके ही भोजन बनाना आरंभ करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कैसा भोजन नहीं बनाना चाहिए। कई लोग मानते हैं कि उनके पितरों को मांसाहार भोजन पसंद था तो उन्हें पितृ श्राद्ध पर मांसाहारी बनाकर खिलाना चाहिए, किंतु पितृलोक में प्रवेश के पश्चात पितरों का भोजन सात्विक बन जाता है, इसलिए उनके श्राद्ध या भोजन में तामसिक व्यंजन का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। केवल सात्विक व्यंजन ही उनके लिए भोजन में बनाने और खिलाने चाहिए। तामसिक व्यंजन के साथ प्याज अदरक लहसुन का प्रयोग भी श्राद्ध भोजन में नहीं करना चाहिए। इन पदार्थों का प्रयोग भोजन में करने से पितृ भोजन ग्रहण नहीं कर पाते और वे भूखे ही पितृलोक लौट जाते हैं। पितृ भोजन में ज्यादा तेज मसालों का प्रयोग ना करें, जितना हो सके भोजन को मीठा और सात्विक बनाना चाहिए जिससे पितृ उन्हें आसानी से ग्रहण कर पाए। यह एक सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बताना चाहेंगे। हम भोजन तो परोस देते हैं या उनका भोग पितरों की तस्वीर पर लगा देते हैं या कोई कुत्ते को भी खिला देते हैं, किंतु हम भोजन के साथ जल अर्पण करना भूल जाते हैं। सबसे जरूरी है जल अर्पण करना। पितरों को आप भोजन ना भी अर्पण करें, किंतु जल का अर्पण पितृ पक्ष के पूरे मास में अवश्य करें, जिनसे पितृ प्यासे ही पितृलोक में ना जाए। इस प्रकार से आप अपने पितरों को भोजन खिलाकर संतुष्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं इन 16 दिनों में पितृ पक्ष के दिन कितना भी जरूरी क्यों ना हो जाए, कोई आपसे इन चीजों को उधार मांगे तो पितृ पक्ष के दौरान भूलकर भी ये 4 चीजें कभी किसी को ना दें, अन्यथा आपके परिवार में कंगाली देखने को मिल सकती है। आपके पी आपके घर का त्याग कर सकते हैं, वो रूठ हो जाएंगे, लग जाएगा पितृ दोष। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे ओम नम शिवाय। दोस्तों, पितृ पक्ष के समय में उधार देना या लेना हर व्यक्ति के जीवन में जरूरी सा हो जाता है। कोई किसी को उधार देता है तो इस बात के लिए कि उन्हें उनकी के जीवन में अच्छी चीजें वापस प्राप्त हो सके, तो इसकी वजह से उधार देते हैं। तो कुछ व्यक्ति सामाजिक सरोकार निभाने के लिए उधार देते हैं, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं, खास तौर पर पितृ पक्ष के दौरान अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कंगाली विद्यमान हो जाती है। इसीलिए कम से कम पितृ पक्ष के दिनों में तो ऐसा ना करें। बात करते हैं सबसे पहली चीज की। पितृ पक्ष पर सबसे पहली चीज तो यह है कि अपने पूर्वजों से जुड़ा धन या किसी भी प्रकार की कोई चीज आप किसी भी व्यक्ति को ना दें। जैसे कि हमारे बुजुर्गों द्वारा दिया गया कोई चांदी का सिक्का या रुपया पैसा या फिर आशीर्वाद के तौर में दी गई कोई कीमती चीज या कोई धार्मिक वस्तु या किसी भी प्रकार की कोई निशानी और भगवान से जुड़ी पूजा की सामग्री आप भूलकर भी किसी को उधार या फिर दान के तौर पर कभी ना दें, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप इस प्रकार की सामग्री दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं तो आपके पूर्वज नाराज हो जाते हैं और बुजुर्गों द्वारा मिला आशीर्वाद खत्म हो जाता है। इससे पितृ दोष लगता है और आपको वह नहीं प्राप्त हो पाता जो आपके पूर्वज यानी आपके पितृ जो आपके लिए करने वाले थे। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए, बुजुर्गों द्वारा कोई सम्मान में मिली चीज कभी किसी को ऐसे ही नहीं देनी चाहिए। इसे हमेशा रखें संभाल कर। बुजुर्गों द्वारा सम्मान में मिली चीज सोना चांदी हीरा मोती से भी कीमती होती है, इससे यूं ही बर्बाद ना करें। दोस्तों, इसी तरह पितृ पक्ष को धन से भी जोड़ा जाता है। पितृ पक्ष के दौरान हमारे पूर्वज साक्षात धरती पर आते हैं और उनका आगमन हमारे घर में होता है और उनका आशीर्वाद सुख समृद्धि में बदल जाता है, धन वैभव की प्राप्ति होती है। तो इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए कि पितृ पक्ष के दौरान भूलकर भी कोई व्यक्ति आपसे धन उधार मांगने के लिए आता है तो आपको उसे उधार पैसा नहीं देना चाहिए और ऐसे में आपको किसी अन्य व्यक्ति से उधार भी नहीं लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पितृ पक्ष के दौरान आप जो पैसा उधार देते हैं या लेते हैं तो वह धन कभी लौटकर नहीं आता, बल्कि इस समय धन देने वाला और लेने वाला दोनों कर्ज में डूब जाते हैं। इससे पितरों का श्राप लगता है। दोस्तों, वही श्राद्ध पक्ष के दौरान हम अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं, पिंड दान करते हैं तथा गंगा स्नान आदि करते हैं। पितृ पक्ष के दौरान खास तौर पर सफेद चीजें चढ़ाई
जाती हैं, इस बात का ध्यान रखें, पितृ पक्ष के दिन हमारे पूर्वजों को चढ़ाने के अलावा कोई एकदम सुबह सुबह के समय आपसे दूध दही छाछ या फिर संध्याकाल के समय में उधार मांगने के लिए या फिर ऐसे ही मांगने के लिए आ जाता है, तो आपको भूलकर भी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। अगर आप अपने पूर्वजों को चढ़ाने के अलावा कोई ऐसा काम करते हैं तो मान लीजिए आपके पूर्वज नाराज हो जाएंगे और साक्षात आपको अपने पितरों का क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए पितृपक्ष के दौरान कोई भी लेन देन ना करें। दोस्तों, पितृपक्ष में चावल के साथ काले तिल मिलाकर के दान करने से पितृ दोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, हमारे पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं। गाय को रोटी में गुड़ मिलाकर और थोड़े से काले तिल मिलाकर खिलाने से पितृ दोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तांबे के लोटे में जल में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर और थोड़े से तिल मिलाकर पीपल की जड़ में चढ़ाने से हमेशा के लिए पितृ दोष समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति को गिफ्ट देना चाहते हैं या फिर गिफ्ट के तौर पर कोई चीज है देना चाहते हैं तो खास तौर पर पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी आपको किसी को भी अपनी पहनने वाली घड़ी या फिर आपको बाजार से नई घड़ी खरीदकर आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ उसका समय अच्छा या बुरा चलता रहता है। आपको घड़ी किसी से लेनी भी नहीं चाहिए अगर किसी व्यक्ति का समय अच्छा है या आपका भी समय अच्छा चल रहा है। और अगर आप किसी अन्य व्यक्ति को अपना समय दे देते हैं तो आपको आने वाले समय के अंदर अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, तो इसी तरह पितृपक्ष में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके घर की सुख समृद्धि से जुड़ी होती हैं, तो ऐसे में वो चीजें आपको किसी को भी उधार नहीं देना चाहिए, वो भी संध्याकाल होने के बाद। जैसे कि कोई आपसे लहसुन प्याज दूध दही चीनी तथा उधार पैसे भी मांगने के लिए आता है तो जब सूर्य उदय होता है, सुबह सुबह या फिर सूर्यास्त हो जाता है, तब ऐसे में इन दोनों समय में आपको घर की समृद्धि दूसरों को भूल कर भी कभी नहीं देना चाहिए। इससे हमारे पूर्वज नाराज हो जाते हैं और लग जाता है पितृ दोष माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि तथा माता लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और वहीं हमारे पूर्वज भी घर में आते आते वापस लौट जाते हैं और आपको उसका अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, दान पुण्य करना हिंदुस्तान की परंपरा रही है, हर व्यक्ति दान पुण्य करके पितृपक्ष का लाभ उठाता है तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है।